भी बड़ी श्रेष्ठ है। आप किसी अरे गहरे नथु खेरे बुद्धू पंच कल्याणी के शिष्य नहीं है, आप महावंश प्रसूतस्य वशिष्ठ व्यपदेशिनः, आप ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। हमारे संस्कार बता देते हैं कि हम कौन हैं। आपके वंश में कोई श्रेष्ठ हुआ हो तो आप उस वंशानुगत आप में संस्कार आ जाता है। आपने अपने जीवन में श्रेष्ठ सदगुरु बनाया है तो उस गुरु के संस्कार भी आ जाते हैं। मैं एक संकेत बताऊंगा आपको। एक बिहार के ही बहुत बड़े पुलिस के अधिकारी एक बार अयोध्या में गए और उन्होंने कहा कि स्वामी जी यहां किसी संत का हमें दर्शन कराइए। तो हम लोग अयोध्या के एक संत के पास लेकर गए तो वह लेट करके उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। तो उस महात्मा ने कहा, आप बिहार वाले श्री त्रिदंडी स्वामी जी के शिष्य हैं? तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा, वही एक ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने अपने शिष्यों में संतों को लेटकर साष्टांग प्रणाम करने का संस्कार सिखाया है। आपके संस्कार बता देंगे कि आप किसके शिष्य हैं और आप किस वंश के हैं। महाराज आपके संस्कार बोलते हैं और गर्व होना चाहिए ऐसे आचार्य पर जो हमारे भीतर ऐसे संस्कार सिखाते हैं। अब तो महाराज लोग साष्टांग तो छोड़ो, पांव छू के भी प्रणाम नहीं करते। हम लोग तो देखते हैं कुछ लोग घुटना छू के प्रणाम करते हैं, पूरा नहीं झुकते, और आने वाले समय में घुटना भी नहीं छुए सीधे माथा ही छू के प्रणाम कर लेंगे। ऐसा समय बदल रहा है। संस्कारों का विसिंचन कहां से होता है? आचार्य के द्वारा होता है। वंश में कोई श्रेष्ठ संस्कारी हो उससे होता है। महामुनि विश्वामित्र ने कहा, राजन आपको तो दोनों तरफ से संस्कार मिले हैं, महावंश प्रसूतस्य, आप महावंश प्रसूत हैं, और वशिष्ठ व्यपदेशिनः, वशिष्ठ जैसा आचार्य जिसका हो उसमें इतनी विनम्रता नहीं होगी तो किसमें होगी।